श्री मैश्रम कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठे हैं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में और सहज हो जाएं। सहज प्रतीक श्वास के साथ सहज होना है। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर आ रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उस श्वास का एहसास और देखें कि आपका शरीर, आपके विचार शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। अद्भुत शांति का अनुभव गहरे आनंद का अनुभव अद्भुत अनुभूतियां गहरे आनंद में सहज होते जाएं। इस सहजता का अनुभव करते हुए बम का उच्चारण और नाभि चक्र पर ध्यान, बम 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 बम। इस प्रकार बम बम का उच्चारण और नाभि चक्र पर ध्यान
नाभि चक्र में बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास, ऊर्जा की अनुभूति, लगातार ऊर्जा बढ़ती जाए, अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव निरंतर बढ़ता हुआ अद्भुत ऊर्जा का एहसास वो सही में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता हुआ प्रत्येक स्ट्रोक के साथ लगातार ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा की सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग को भी पकड़ने की कोशिश, जानने की कोशिश पूरी एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ और सहजता के साथ ऊर्जा का प्रभाव लगातार बढ़ता जाए, नाभि चक्र में पैदा होती तरंगे शरीर के प्रत्येक सेल तक फैलती जाएं, अद्भुत ऊर्जा का एहसास रोम रोम में फैलता चला जाए। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूतियां निरंतर होती चली जाएं, लगातार सहज होकर जो भी ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं उन अनुभूतियों का एहसास करते हुए आगे बढ़ना है। बम बम का उच्चारण बंद कर देना है और इन अनुभूतियों के साथ आगे बढ़ते जाना है। आज प्रत्येक मनुष्य पागलपन की ओर बढ़ रहा है। सभी के अंदर अनंत गहरा पागलपन जब तक गहरी चेतना में मनुष्य नहीं उतरता तब तक ये पागलपन भी खत्म नहीं होता। साधना की गहराइयों में उतरने पर इस अनंत ऊर्जा से जुड़ने के बाद ही आप अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं।
और जब तक स्वयं को नहीं जानते, चेतना को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते, तब तक वह पागलपन अनेक रूपों में प्रकट होता है। ऐसे अनेक भयंकर रूप जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते, हमारा मन, हमारी चेतना को गुलाम बनाकर रख देता है और अंदर लगातार गहरा युद्ध चलता रहता है। आपके अंदर से अनंत विचारों का युद्ध, पर अगर इन विचारों को आप लिखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि ये कोई पागलपन से कम नहीं है। किसी को ताकत का पागलपन है, तो किसी को क्रोध का पागलपन, किसी को धन का पागलपन है, तो किसी को काम का पागलपन, और इस पागलपन में वो सब कुछ गुजरता है जो वो कर सकता है। वह उसके फल की भी अनुभूति नहीं कर पाता कि अगर ये लगातार पागलपन बढ़ता गया तो क्या होगा। आज अनेक मनुष्य ऐसे मिल जाएंगे जो पागलपन में मर्डर का गुजरते हैं, क्रोध में कुछ भी कर गुजरते हैं, भाई भाई को मार देता है, पुत्र पिता को मार देता है, सारे रिश्ते कुछ भी मायने नहीं रखते, तो ये मनुष्य की विकृत स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। मनुष्य की एक विवृत्ति अगर बिगड़ती है तो वह उसे पागलपन की ओर ले जाती है। आज अगर अखबार पढ़ने बैठे तो मनुष्य की विकृत स्थिति का पता चलता है। कैसे कैसे इस विकृत स्थिति के कारण मनुष्य एक दूसरे को मार देता है, कैसे इस विकृत मनोस्थिति के कारण बलात्कार तक कर गुजरता है। ऐसी विकृत स्थितियां धन के लिए
कितने लोग धोखा देते हैं। अनंत ऐसी विकृत मनस्थितियों के उदाहरण हैं तो ये एक पागलपन ही है। और यह पागलपन जब तक खत्म नहीं होता, जब तक आप स्वयं उस चेतना की गहराई में नहीं उतर जाते, हर मनुष्य का पागलपन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी वृत्ति के प्रति वह स्वयं जरूर पागल है। अनंत गहराई हमें तरते हुए मन की सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों को जड़ से विलीन हो जाने दें। हर मनुष्य में सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी वृत्ति जरूर दबियां होती हैं, और कई मनुष्यों में अनेक वृत्तियां होती हैं। इन वृत्तियों से मुक्ति के लिए इस ऊर्जा के साथ अनंत गहराई हम उतरते चले जाएं। और जो भी नकारात्मक विचार आए उन पर कोई प्रतिक्रिया ना करें। विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक, अगर उन पर प्रतिक्रिया करते हैं तो फिर वैसे अचेतन में दब जाते हैं। तो जो विचार आपके अचेतन से ऊपर के उठ रहे हैं, स्वयं के अंदर जो भी कमियां फील हो रही हैं, जो भी ऐसी मन की वृत्तियां जो नकारात्मक हैं, उन वृत्तियों को ऊपर आने दें। उस ब्रह्मांड की ऊर्जा में उन्हें विलीन हो जाने दें और उस परमात्मा से भी प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, मैं मन की समस्त नकारात्मक वृत्तियों को इस ब्रह्मांड में समाहित कर दो, मेरे अचेतन में या अवचेतन में कोई भी ऐसी नकारात्मक वृत्ति न रहे जिससे मेरे स्वयं का या फिर किसी और का बुरा हो। मेरे वो सभी भाव इस ब्रह्मांड में विलीन होते जा रहे हैं, सभी नकारात्मक भाव इस ब्रह्मांड में विलीन होते जा रहे हैं। इस ब्रह्मांड में विलीन होते जा रहे हैं। सभी नकारात्मक भाव ब्रह्मांड में विलीन होते हुए महसूस करके विचार गर्म ऊर्जा के रूप में आपके अंदर से बाहर जा रहे हैं। वो एक शीतल ऊर्जा
ठंडी ऊर्जा। आप कैसे विस्तार से अंदर प्रवेश कर रही है। और पूरा शरीर उससे शीतल होता जा रहा है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मन की चंचलता खत्म होती जा रही है। शरीर स्थिर होता जा रहा है। गैर स्थिरता गहरी शांति और गहरा आनंद अनंत ऊर्जा का प्रवाह अनंत ऊर्जा की अनुभूति लगातार बढ़ती जाए। सकारात्मक ऊर्जा लगातार बढ़ती जाए। पूरा शरीर शीतल होता जाए। लगातार शीतलता बढ़ती जा रही है। ऊर्जा की तरंगें बढ़ती जा रही हैं। शरीर को पूरी तरह से स्थिर रखें। इस अनंत ऊर्जा में व्हाइट कलर, व्हाइट प्रकाश बढ़ता जा रहा है। व्हाइट कलर, व्हाइट प्रकाश बढ़ता जा रहा है। और महसूस करें कि आप ऐसी जगह, ऐसी पहाड़ियों के बीच में बैठे हैं जहां चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और उस बर्फ की शीतलता आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसकी शीतल ऊर्जा
सही कह रोम रोम फैलती जा रही है। आपका सही, आपके विचार भाव सब शांत हो गए हैं और एक गहरी शीतलता उतरती जा रही है। एक गहरी शीतलता में डूबते जाना है। अनंत गहरी शीतलता, गहरा अनुभव, अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। निरंतर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता हुआ निरंतर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता हुआ निरंतर ऊर्जा का एहसास और पूरा शरीर शीतल होता हुआ महसूस करें कि शरीर बर्फ में जमता जा रहा है। शरीर बर्फ की तरह होता जा रहा है। शरीर बाघ की तरह शीतल, वही शीतलता का अनुभव को बढ़ाते जाना है। वही शीतलता में गहरा आनंद, गहरी शांति, गहरी सकारात्मकता अनंत गहराई में डूबते जाएं। जो भी दृश्य, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों की गहराई में डूबते जाएं। प्रत्येक एहसास को जीना है, प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जा की तरंग को महसूस करना है। पूर्ण स्थिरता के साथ
लगातार इन अनुभवों में डूबते जाएं। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, लगातार गहराई से इनमें डूबते जाएं। अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव, अद्भुत ऊर्जा की गहराई, रोम रोम ऊर्जा का प्रभाव, न शरीर का एहसास, न मन का कोई एहसास, सिर्फ गहरी शून्यता, गहरी शून्यता।
अनंत गहरी शांति और गहरा आनंद, और इस आनंद के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे, धीरे धीरे चेतना में वापस दो गहरे सांस भरें, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, काम करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।